हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है कि मंदिरों को बंद करने का जो निर्णय है वो शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में जालना में जो है 55 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके अब लिए अब जालना में जो है मंदिर को बंद कर दिया गया था। दोस्तों अब जानेंगे इस वीडियो के अंदर और कौन कौन सी चीज़ों पर लग रही पाबंदी, कौन कौन सी चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी पूरी तरह से आम जनता के लिए। लोकल ट्रेन के बारे में भी जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। मार्केट प्लेसेस के बारे में जानेंगे, मार्केट के अब टाइमिंग क्या होंगे, कब से कब तक दुकानें खुलेंगी, कब से कब मार्केट आप जा सकते हैं, सब्जी लेने का टाइमिंग क्या होगा आपका, इन तमाम चीजों को जानेंगे के करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हां दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें काफी खुशी और मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमारे काम को पसंद किया और हम आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बात करते हैं एक अच्छी खबर के बारे में। जी हां, नो सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन मुंबई, सो प्लान्स ऑफ लॉकडाउन बीएमसी कमिश्नर। तो यहां पे देखिए साफ साफ दिखाया गया कि बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने कहा है कि यहां पर यानी मुंबई में लॉकडाउन की लगाने की जो आशंका है वो बहुत ही कम है, यानी लगने का लगभग जो है नामुमकिन है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस की कोई सेकेंड लहर नहीं है, यानी मुंबई के हालात ठीक हैं। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो श्री उद्धव ठाकरे जी ने जो संकेत दिए, वो दोनों डिफरेंसेस है, क्योंकि इकबाल सिंह जो है बीएमसी के कमिश्नर है, जाहिर सी बात है उनके ऊपर पूरा जो है टीम जो है उनकी काम कर रही है इस मामले में कि कितने कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है लॉकडाउन की। तो वहाँ पर जो अपडेट आई है कि मुंबई के हालात ठीक हो रहे हैं, यानी आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें यह नहीं मतलब कि आप कोरोना के जो नियमों का पालन नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ देखें, उद्धव ठाकरे जी ने साफ साफ कहा है कि आपके पास 8 दिन का समय है, यानी 28 फरवरी तक अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा है तो लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अलग जो ज़िले हैं, जैसे नासिक हुआ, पुणे हुआ, यवतमाल हुए, अमरावती हुए, तो कई जगहों पर जो है आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया, कहीं पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया, कहीं पे आपको डे में कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो कहीं पे मार्केट्स को बंद कर दिया गया है, 5 बजे से ही आपको शाम को जो है बंद करना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ नए नियम को जो है लागू करेंगे, यानी कि लॉकडाउन के बाद जी हाँ जहाँ पर अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं जो महाराष्ट्र के, वहाँ पे तो लग गए, लेकिन मुंबई में एक अच्छी और राहत की खबर है, ना ही यहाँ पे लोकल बंद होगी, ना ही यहाँ पे मार्केट बंद होगा, ना ही यहाँ पे दुकानें बंद होंगी, सब कुछ जैसा चल रहा है दोस्तों वैसा ही चलेगा। तो ये आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि मुंबई के रहने वाले जितने भी निवासी हैं उन सभी के चेहरे पर एक मुस्कान रहेगी कि यहाँ पर लॉकडाउन का बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हालात ठीक है, ऐसा बयान बीएमसी कमिश्नर जी ने दिया है। तो ये आप सभी के लिए चेहरे पे जरूर मुस्कान लेके आएगी, लेकिन दोस्तों हमें नियमों का पालन ज़रूर करना है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जब तक नियम के पालन सही ढंग से नहीं होंगे तब तक इस पर विचार पुनः किया जा सकता है। यानी अगर आप नियम का पालन करते हैं तो ये जैसा चल रहा है, यानी सब कुछ खुला रहेगा, सिनेमा हॉल्स खुले रहेंगे, पार्किंग जितने भी हैं वो खुले रहेंगी, चाहे आपका स्विमिंग कॉम्प्लेक्स हो यानी कि स्विमिंग पूल जो है वो भी खुले रहेंगे, आपके स्कूल कॉलेजेस ट्यूशंस जो प्राइवेट हैं सब कुछ जो जैसा चल रहा है सब कुछ धीरे धीरे खुलता रहेगा, जो बाकी हैं वो भी खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल में 50% की उपस्थिति थी उसे 100% में कर दिया जाएगा, लेकिन नियमों का पालन होगा तभी। तो मुंबई का इसके लिए अच्छी खबर है कि ना लोकल बंद होगी, ना ही कोई मार्केट, यहाँ पर लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।